पीएस टेट विच एग्जाम तो पहला कुछ लुड़ींदियां चीजा तो चाहीदियां हन। उन्हां चीजा की एक लिस्ट है जिसनों चैकलिस्ट कहिंदे ने। चैकलिस्ट इसका परपज यही हुंदा है, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिहड़ी लिस्ट है उहदे विचों किहड़ियां मेरे को प्रेजेंट है, हाजिर है, किहड़ियां मैं रखनियां हन जां हाजिर नहीं हन, उन्होंने रखना है, याद रखने लई हुंदी है। अच्छा, नाल नाल हिदायतां जिहड़ियां हन उह भी इस वीडियो च डिस्कस कर दूंगा ब्रीफ विच। सारियां चीज़ा जी इन लिस्ट की गई हैं सारे कैंडीडेट लिए जरूरी नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट है सबनों जरूरी नहीं है, जेडे डिसेबल ने उन्होंने जरूरी है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट ज्योमैट्री ट्रांसपेरेंट हो, ज्योमैट्री बॉक्स में खास तौर पर की होना चाहिए है क्योंकि तुहानू ब्लैक ते ब्लू पेन की ही बाल पेन जैल पेन ना हो, पेंसिल ना हो, वरती नहीं जानी ज्योमैट्री रखने का, इसलिए कोई फायदा नहीं है। इस दे नाल तुसी कुछ भी इरेजर वगैरह शार्पनर या ब्लेड रखते हो, कई बार तुहानू लगता है कि सर्कल ज़्यादा बाहर निकल गया है, लेकिन टेंशन हुंदी है, अजिहा नहीं हुंदा, वो एवेलुएट हो जाता है, पर तुसी केयरफुली ही उसनू अनसर्कल करना है। और तुहाडा पेन जेड़ा है उसकी स्याही लीक नहीं करती होनी चाहिए, बाल पेन कोशिश करो एक तो वधेरे ज्योमैट्री विच रखो। सो थोड़ा जा ब्लेड जां शार्पनर इरेजर ये चीज़ा तां जे तुहानू किते अरेज थोड़ा बहुत करना पैंदा है, ट्रांसपेरेंट होवे, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होवे, हैंकी कई बार जरूरत होंदी है। अच्छा, टेबल्स नहीं, मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड जे किसी हैडिक हुंदा है, जां किसी नू कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जां लगता है कि उत्थे प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह वध घट सकता है, तो मेडिसिन रख लेनी चाहिए है। वाच जरूर चाहिए है तुहाडे कोल, वैसे उत्थे होने की संभावना है, लेकिन वाच तुहाडे कोल न्यूमेरिकल अपनी होवे, जिस तरह भी तुसी कंफर्टेबल फील करते हो, वाच जरूर होनी चाहिए है। टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है, उस लई वाच जरूरी है। तुहाडी ड्रैस कंफर्टेबल होवे तां बैटर है, ड्रैस नाल ही युद्ध ना करते होवो तुसी, जरूरत मुताबक मौसम मुताबक जे लगता है कि तुहानू कोई स्किन या होर कोई प्रॉब्लम है, जां अमरेला चाहिए है ले सकते हो। ईटेबल्स जरूरी है, ज़्यादा भुखे रह के भी एग्जाम ते इफेक्ट पैंदा है और ज़्यादा खा के भी नींद आती है, इसलिए तुहाडी सेहत लई जो तुहानू ठीक लगता है वह ईटेबल्स लाइट जरूर रख लेना चाहिए है। बिलोंगिंग्स तुहाडा खास तौर पर सब तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोबाइल फोन हर वक्त नाल असी रखते हाँ तो छड़ना औखा हुंदा है, जां तां कोई व्यक्ति उसकी केयर लई तुहाडी बिलोंगिंग जो है समान जो नाल लैके जाके उसकी केयर लई होवे, कारण यह है कि तुहाडी टेंशन उस समान विच नहीं होनी चाहिए कि मेरा मोबाइल ना गुम हो जाए जां लैके ना जाओ, ये इंतजाम तुसी खुद देखना है। जो इंस्ट्रक्शन है रिटन तुहानू कार्ड ते आईयां होईयां, वो तुसी इंस्ट्रक्शन एक बारी प्रैक्टिस कर लेनी है, रीड कर लेनी है, वैसे इहदे विच लगभग सारिया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं दस दित्तियां हन, पंजाबी विच भी नोट कर सकते हो। होर है चैकलिस्ट जां होर चीज़ां तुहानू किहड़ियां चाहीदियां हन, रोल कम एडमिट कार्ड जिहदी टेंशन तुहानू पई रही है, अटैस्टेशन होनी चाहिए है कि नहीं होनी चाहिए, इहदी समस्या लगती सी, जेकर जिहड़ा प्रिंट है उहदे च ऑलरेडी फोटो तुहाडी नहीं है तां तुहाडी उत्ते फोटो अलग कलर लग के अपने गजटड किसी ऑफिसर को अटैस्ट करवानी है, सिर्फ उन्हां कैंडीडेट ने जिन्हां दी फोटो स्कैंड नहीं आई, बाकी कैंडीडेट्स नूं जरूरत नहीं है। ये फोटो सिर्फ ये देखने लई है कि वही कैंडीडेट जिसने कैंडीडेचर फिल किया है वही एग्जाम दे रहा है, दैट इज़ वाई आईडी प्रूफ हर हालत ओरिजिनल 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 विद सेम फोटो जिहड़ी तुसी अपलोड की सी उसे नाल मैच कर दी जां वही फोटो होवे। अच्छा, ब्लैक ब्लू पेन एक तो ज़्यादा रख लियो, क्योंकि कोशिश करना जे ब्लू वरत रहे हो तो ब्लू ही वरतना, ब्लैक वरत रहे हो ब्लैक वरतना, क्योंकि जो असी चलाने हाँ तो स्याही निकलन लग पैंदी है, तो जो तुसी अनसर्कल करना है ओवल नू ते ओ तुहानू तंग कर सकता है, दैट इज़ वाई एक पेन थक गया दूजा वरतो तो तीजा वरतो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे हाँ, जैल पेन ये नहीं वरते जाने, जैल पेन ते पेंसिल नहीं वरते जाने, सिग्नेचर भी तुहाडे होने हैं एग्जाम विच नॉर्मली, उहदा ध्यान रखना है। फिल ओवल्स डिटेल ओ एम आर शीट ते, तुहानू पहला ओ एम आर शीट जां ओ शीट मिल जानी है, तुसी उसनू आंसर बुकलेट नू खोल नहीं सकते, लेकिन ओ एम आर शीट की जिहड़ी बेसिक इनफॉर्मेशन है वो जरूर फिल करनी है। खास हिदायत है कि तुहाडा सैट किहड़ा है, ए बी सी डी चार चो एक सैट हो सकता है, जे तुहाडा सैट मान लो बी है तो तुसी ओवल शीट ते बी वाला कॉलम फिल होना चाहिए है, अदरवाइज तुहाडी स्कोरिंग गलत हो जाएगी, डिसक्वालीफाई तुसी ऑलरेडी इस तरह हो जाओगे। एक सर्कल है, चार ऑप्शन है, एक दो तीन चार, सॉरी एक दो तीन
इस नूं रब कर दिना है, सॉरी, अच्छा 1, 2, 3, 4 है ना, उन्हां चों मान लो बी आंसर है, तुसी एक नूं सर्कल करना है, ये नहीं है कि हुण इस तो बाद मैनू आ लगा है तो मैं ये भी सिरक कर दाँ, ये जे दो तरह तुसी कलर कर दिता है तुहाडा मार्क जीरो ही गिणिया जाएगा। नैगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है कि गैस वर्क है, जी यू ई डबल एस गैस वर्क है, वो इंपॉर्टेंस है, बेशक लॉजिकल होवे, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होवे, जां ओ रैंडम गैस होवे, सारे तरह दी वीडियो अवेलेबल है, लिंक नीचे दिते गए हैं। गैस वर्क तुहाडे मैं कह रहा 20-30 नंबर या 20-30% तक इनक्रीज हो सकती है जे केयरफुली लर्न कर लो। रफ वर्क लई पिछे शीट 1 या 2 पेज दिते गए होंगे, उससे ते ही रफ वर्क करना है, होर किते नहीं कर सकते। क्वेश्चन बुकलेट जो एग्जामीनेशन कंप्लीट हो जाता है उस तो पहला तुहानू एग्जाम चो बाहर नहीं आन दिता जाएगा, बुकलेट तुसी अपने नाल ले जा सकते हो, ये हदायतां तुहाडे कार्ड ते लिखियां होईयां हन। इस तो इलावा कोई जिन्नियां भी स्ट्रैटेजीज दी मैं वीडियो बनाईयां हन, मेरे ख्याल च एक गल समझ लेना, कुछ लोग नॉलेज जिहड़ी लैंदे आ इन्नी मेहनत करदे आ, मान लो 70% कीती है, ते कुछ लोग रीजनिंग यूज 70% है, रीजनिंग लेकिन 50% यूज करदे है ना, कुछ लोग स्ट्रैटेजी 30%, 20% जां नहीं करदे, जिहड़िया को नॉलेज ते रीजनिंग यूज कीती है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं यूज कीतियां, वो कई बार 60% नंबर नहीं लेके जा पाते। सो स्ट्रैटेजी घट नाल मान लो तुहाडे को 70% स्ट्रैटेजी है ते तुहाडी को नॉलेज सिर्फ 50% है, रीजनिंग हाँ इहदी महत्ता है, मतलब घट नॉलेज नाल स्ट्रैटेजी वध अप्लाई करके तुसी बैटर रिजल्ट गेन कर सकते हो। दैट इज़ वाई रिलेटेड वीडियो जिहड़ियां लॉजिकल ट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रिक ते जिहड़ा है लास्ट रैंडम ट्रिक्स, इन्हां ते कढ़ियां गईयां हन। किसी तरह का कुछ थोड़ी डिमांड हो, टाइम कट है, लर्न टू एक्चुलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।